हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए मुझे। सर मेरा नाम हुकम सिंह करवड़ है। हुकम सिंह जी करवड़। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? करवड़ एक गांव है। ये गांव करवड़ है। ओके। और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, राजस्थान में। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान हो गया जी। जोधपुर रेलवे स्टैंड से 21 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, जोधपुर रेलवे स्टेशन से 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर। अच्छा ओके। तो हुकम सिंह जी, आज हमको मौका मिला आपके गांव में आने का और आपसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत वेलकम। आपसे मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो हुकम सिंह जी, जानना चाहूँगा आप घोड़ों की लाइन में कब से आए थे और आपको ये शौक कैसे लगा था? सर ये ऐसा, तो घोड़ों की लाइन मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी गया है। ओके। मेरे दादाजी जागीरदार थे करोड़ गांव के। अच्छा। मेरी जागीरी जब, तो ये तीसरी पीढ़ी है। ओके। तो घोड़े तो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं। ओके। तो बचपन से शौक ही है। अच्छा, बचपन से ही है मतलब शौक। अभी भी मेरे पास घोड़िया तो 3 पीढ़ी से विद डॉक्यूमेंट है। अच्छा अच्छा। विद रजिस्ट्रेशन है, सबके चिप लगी हुई है। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके पास टोटल कितने घोड़े घोड़ी है? अभी मेरे पास 2 है। अच्छा जी, 2 है, एक मेयर है और एक फिली। ओके ओके ओके। तो आपको मतलब शौक के कैसे लगा, कोई कहानी हो आपकी मतलब ऐसे घोड़ों को लेकर? नहीं सर, इसमें तो बचपन से ही घर में घोड़े देखते आ रहे हैं। अच्छा, तो उसको मतलब वो चला ही रहे हो आप, तो मतलब कंटिन्यू कर रहे हो मतलब? ओके ओके ओके। हाँ तो हुकम सिंह जी, आपके पास ये घोड़ी है अभी? जी। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका राजलक्ष्मी नाम है। राजलक्ष्मी जी। और आपके यहीं पे ब्रीड है ये? ये हमारे यहीं पे ब्रीड है। अच्छा अच्छा। अभी कितनी उम्र की होगी ये? ये 8 साल की होगी। 8 साल की जी, विद डॉक्यूमेंट है। अच्छा, विद डॉक्यूमेंट्स मतलब आपने इसका रजिस्टर्ड करवा रखा है? इसका रजिस्टर्ड करवा रखा है, इसको चिप लगा रखी है। अच्छा। और इसका पासपोर्ट भी बना रखा है। ठीक, मतलब सारा आपने तो संतुष्ट करके रखा है इसका। इसकी माँ का भी पासपोर्ट बना हुआ था। अच्छा, चिप लगी हुई थी। इसकी बच्ची का भी पासपोर्ट और चिप है। ओके ओके ओके। मेरे पास 3 पीडी से विद डॉक्यूमेंट है। अच्छा ओके। उससे पहले जानना चाहूँगा, इस घोड़ी के आपने कितने बच्चे ले लिए आपके यहाँ पे? मैंने इसके 3 बच्चे लिए। 3 बच्चे लिए जी। अच्छा, और उम्र आपने इसकी बताई? 8 साल। ठीक है, और कितनी हाइट की है ये? ये 62 प्लस है। 62 प्लस है जी। ठीक है, और कौन से घोड़े की है ये? ये रत्नाकर ब्लड लाइन की है, राज घोड़े की डायरेक्ट। रत्नाकर ब्लड लाइन होगी और राजघोड़ा? राजघोड़ा डायरेक्ट, राजघोड़े की। रत्नाकर तो अच्छी लाइन है वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन है। हाँ, बहुत ही अच्छी लाइन है रत्नाकर लाइन जी। तो उसका जो घोड़ा राज जी, डायरेक्ट राज की, डायरेक्ट राज की हो गई है जी। अच्छा, ये ब्रीड आपकी यहीं पे हुई थी क्या? जी, मेरे यहीं की ब्रीड है। ओके, इसकी माँ मतलब आप ही के पास थी जी। ओके, इसकी माँ की हाइट कितनी हो? इसकी माँ की थी 64 प्लस थी, प्लस इससे भी लेंथ ज्यादा थी इसकी। अच्छा, इससे भी लेंथ अच्छी थी मतलब? हाँ, इसकी भी, इससे भी लेंथ अच्छी थी। ठीक है, और वो कौन सी लाइन से थी? वो नॉन लाइन नहीं थी। अच्छा, नॉन लाइन। उस टाइम काफी टाइम पहले से थी। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम इतना घोड़ा का लाइन वाला इतना चल नहीं रहा था। ठीक है ठीक है, तो वो अनोन लाइन की थी मतलब जी। कुल मिला के बात यही थी जी। और लाइन की भी होगी तो आपको कन्फर्म पता नहीं भी होगा? कन्फर्म पता भी नहीं होगा उसका, पर उसने ये कर दिखाया कि रिजल्ट आपके यहाँ पे बहुत अच्छा दिया। रिजल्ट दिया मेरा, अच्छा रिजल्ट दिया कुल मिला के। तो अभी ये खाली है या सुबर है? नहीं, अभी ये खाली है क्योंकि एक्चुअली इसके पीछे जो बच्ची है तो उसके दूध और मिल्क की वजह के कारण मैंने अभी तक इसको ब्रीड करवाया नहीं। अच्छा अच्छा, इसके पीछे एक बच्ची है जी, जो उसके ग्रोथ के लिए आपने इसको अभी तक करवाया नहीं मतलब? जी जी, अभी तक मैंने घोड़ा नहीं दिखाया इसको। अच्छा ठीक है, तो इसको आपने कहीं शो कम्पिटिशन में कहीं लगाया हो पहले? नहीं, अभी नहीं लगाया कभी भी। कभी नहीं लगाए? कभी जाते भी नहीं हो शो कंपटीशन में? जाते हैं, शौक से जाते हैं, लेकिन लगाते नहीं हो जी। अब की बार इसके बच्चे को लगेंगे। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट शो आएगा जब। ओके, 2022 वाले शो में लगेंगे इसके बच्चे को। कदन से। ओके, और कोई खूबी इसकी घोड़ी की? घोड़ी की खूबी बहुत स्वामी भक्त है। अच्छा, बहुत वफादार है। अच्छा, स्वामी भक्त घोड़ी है मतलब? बिल्कुल स्वामी भक्त है, बहुत वफादार घोड़ी है। अच्छा अच्छा ओके। इसके राइडिंग के लिए बहुत अच्छी है, राइडिंग की भी अच्छी है जी। बिल्कुल, आप इंग्लिश और मारवाड़ी दोनों राइडिंग कर सकते हैं इसमें। ओके, इसके अगर मार्किंग की बात करें तो क्या है मार्किंग इसके? दो पान है और 3 पग सफेद है। अच्छा, माथे पे पान है और 3 पैर सफेद है और देवमन है। अच्छा, देवमन भी है। ठीक है। अच्छा, आप इसके विद वो बात कर रहे थे मेरे पास जी जी, तो क्या आपने रजिस्टर करवा रखा है मतलब कुल मिला के? रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, प्लस चिप लगा रखी है और ये इनके पासपोर्ट है। अच्छा, मतलब पासपोर्ट भी आपने बनवा रखे हैं इनके? रखे हैं।
जैसे ये माया है, इसकी माँ का पासपोर्ट है। अच्छा। और ये राजलक्ष्मी इसका है। ओके ओके। और ये राजपद्मनी इसकी बच्ची का है। ओके ओके। मतलब तीनों का आपने पासपोर्ट? मेरे पास तीन पीडी है जो विद रजिस्ट्रेशन और विद डॉक्यूमेंट है। ओके 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 ओके। तो हुकम सिंह जी, जानना चाहूँगा आपको पासपोर्ट पासपोर्ट बनवाने की कोई जरूरत पड़ी या अपने ऐसे ही बना? पासपोर्ट में जरूरत तो ये है कि जब भी एक्सपोर्ट खुलेगा तो उस वक्त जब भी घोड़े बाहर जाएंगे तो पासपोर्ट वाले ही घोड़े बाहर जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। जाएगा नहीं, सबसे बड़ा तो ये था। हाँ। उसके बाद एक ये हो गया था, आजकल क्या घोड़े में मार्केट में झूठ वाला बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा अच्छा। जो नए लोग आते हैं उनको क्या काफी ब्रीडर इस तरह से ठग रहे हैं कि वो इस मार्केट से बहुत दूर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। जो नए बंदे हैं, नए बंदे आ रहे हैं। अब मैं किसी और से बच्ची ले आया और बोल रहा हूँ मैं राजलक्ष्मी की है और उसे बेच रहा हूँ। अच्छा, वो दो साल तक सेवा करे उसकी। अच्छा। और फिर उसको रिजल्ट नहीं मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। वो तो बेचारा मारा ही जाएगा ना। वो तो मारा जाएगा। और नया बंदा है, फर्स्ट बार आया है, तो वो तो वापस कभी आने का सवाल ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें एक तो चिप लगी हुई है जो आप कंप्यूटर पर चेक करवाते हैं, इसका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। ओके ओके। ठीक है ना, कौन से ब्लड लाइन की है, कौन से घोड़े की है, और इसकी मदर कौन है, फादर कौन है, और कब जन्मी हुई है, उम्र वगैरह, एक दिन का भी फर्क नहीं आएगा। तो ये डॉक्यूमेंट का ये है, जो नए बंदे आ रहे हैं उनको मेरा सिचुएशन ये है कि विद डॉक्यूमेंट ही वही खरीदना चाहिए। अच्छा, उनके साथ कोई धोखा नहीं, धोखा नहीं हो नए बंदों के साथ। और अगर मैं तो सभी ब्रीडरों से ये कहूँगा कि आप सभी लोग जो भी है ना, विद डॉक्यूमेंट ही आप जिसको भी नए बंदे को दो घोड़ा घोड़ी तो उसको विद डॉक्यूमेंट दो। बिल्कुल, किसी के साथ कम से कम इससे जुड़े, नहीं तो क्या है एक बार आप धोखा करोगे दूसरी बार आने वाला नहीं। बिल्कुल। तो इससे है ना, कई लोग देखे जो इस मार्केट से दूर जा रहे हैं और उसका जाने का कारण है लोग चीटिंग कर रहे हैं, बता किसी का रहे हैं और बेच किसी का रहे हैं। ये अच्छा, कुल मिला के मतलब ये नए लोगों के लिए तो एक तरह का फंदा ही बन गया। नए लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है, कम से कम पैसे दे पूरे तो कम से कम चीज तो एक नंबर लेके जाए ना। बिल्कुल, चाहे पैसे लग जाए पर चीज एक नंबर मिलेगा ना। तो इससे तो मतलब ये जो बोल से बोलते हैं कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ, वो हुआ, तो वो फ्रॉड ही होता है। मैं बस इतने ऐसे खरीद के ले और बता रहा हूँ राजलक्ष्मी की है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप तो नए बंदे हो, लेके ही जाओगे। बिल्कुल, लक्ष्मी को देख के लेके जाओगे। आप दो साल उसकी सेवा करते हो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप तो घोड़े मार्केट में आने का सवाल ही नहीं वापस। बिल्कुल सही, राइट बात है आपकी। ये तो इसी वजह से लोगों का नया, बहुत से जो नए लोग है उनका शौक तो मर ही रहा है, एक तरफ से मर रहा है इस मार्केट से, वो लोग दूर जा रहे हैं। बिल्कुल, घोड़ा लाइन से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। जिसके साथ एक बार धोखा गया वो दोबारा थोड़ी आएगा, वो जिंदगी में वापस नहीं आएगा। बंदा है, पता नहीं पैसे कहाँ से व्यवस्था कर रहा है, कैसे कर रहा है, फिर इस शौक के लिए आ रहा है और फिर आप उसके साथ अगर चीटिंग कर रहे हो तो खराब ही है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल आपकी बात। और मैं तो नए बंदों को बोल रहा हूँ कि आप जो भी लो विद डॉक्यूमेंट लो। आज मेरे पास है तो तीन पीढ़ी का डॉक्यूमेंट है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसे जगह से कोई आप लो तो कम से कम आपके साथ चीटिंग नहीं है। चीटिंग नहीं हो कुल मिला के। आप इतने पैसे लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, दो साल के बाद आपके सामने रिजल्ट आता है तो आपको कितना बुरा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो कचरा लेके जा रहे हो अब उसको दो भाई खिलाना तो उसको भी पड़ेगा, उसको भी पड़ेगा, उसको भी पड़ेगा। हाँ, तो खिलाना भाई, खर्चा तो दोनों का बराबर ही पड़ेगा। बराबर पड़ रहा है, लेकिन दो साल के बाद में आपको पता चले कि मेरे साथ चीटिंग हुई तो आपको कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी घोड़ा मार्केट में आओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगा, नया बंदा तो नहीं आएगा सर, आने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। और ऐसा बहुत से केसेस भी हुए हैं, ऐसे कई केस देखे ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इसका कारण ही है कि एक तो पासवर्ड है जो एक्सपोर्ट होगा तब ये काम आएगा। बिल्कुल। प्लस कभी भी है कोई जानवर आता है किसी को देते हैं तो विद डॉक्यूमेंट। विद डॉक्यूमेंट तो पक्का प्रूफ तो रहता है उसके पास कि भाई ये फलान उस घोड़े की है। आज मैं ये तीन पीढ़ी से क्यों रख इसलिए रख रहा हूँ, कोई आए तो उसको पता चले मेरे पास तीन पीढ़ी से। बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर काम है आपके पास, एक नंबर काम है सर। हमारा वो नहीं है किसी से खरीदा और बेच दिया, वो वाला काम नहीं। बिल्कुल सही है, जो है सत्य है सामने, वही है। तो नए लोगों को तो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, मतलब ये इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नए बंदे जो बेचारे जुड़ते हैं वो आते हैं कैसे ना कैसे करके कि मैं भी वही घोड़ा लेऊं। हाँ, घोड़ा लेऊं। पर उसका शौक कितना मुश्किल से पैसा इकट्ठा करता है, पता नहीं कैसे एडजस्ट करके वो ले रहा है। बिल्कुल, उसके साथ चीटिंग हो तो अच्छी बात नहीं। अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। और वो सबसे घातक है घोड़ों के लिए। बिल्कुल। तो इनका मार्केट खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। पहले तो घोड़े थे जो एक व्हीकल की तरह काम आ रहे थे। बिल्कुल। आजकल वो तो सिस्टम वो तो नहीं रहा, ओनली एक ब्रीडिंग के रहा है और उसमें भी अगर इस तरीके से धोखा करोगे तो कौन लेंगे। अच्छा हुकम सिंह जी, एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे आपका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, आप इनब्रीडिंग के भी बहुत खिलाफ हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो इनब्रीडिंग आजकल बहुत सी होती भी है, हालांकि बहुत करवा रहे हैं, वो भी चीज़ें गलत ही है। देखो तो आपका, मैं यहाँ पे फार्म पे आया तो आपने देखो यहाँ पे आप बकरी पालन भी कर रहे हो, खरगोश पालन भी कर रहे हो, उसका भी आपने देखा मेरे बिल्कुल पास एक नंबर ब्रीड का। बिल्कुल एक नंबर देखा मैंने आपका। इनब्रीडिंग का मतलब कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं। मेरा सिस्टम ही नहीं। अच्छा अच्छा।
चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा और बताइए हुकम सिंह जी इस घोड़ी के बारे में। जी बाकी मेरे शौक से खड़ी है मेरे पास में, राइडिंग में काम लेता हूँ, पीछे ग्राउंड बनाया हुआ है तो राइडिंग करते हैं ज्यादातर, राइडिंग के काम में लेते हो मतलब। ठीक है, अभी इसकी उम्र आपने 8 साल बताई मेरे को, पर लगती नहीं है ये 8 साल की है जैसे। उसका कारण ये है कि लोग तो क्या करते हैं, बच्चा होते ही छठी में ही घोड़ा दिखा देते हैं। अच्छा ठीक है ना। हाँ हाँ, तो मेरा सिस्टम ये है नहीं, अभी भी आप देख लो तो मेरी बच्ची 13 महीने की हुई है। ओके, इसकी बच्ची। हाँ, लेकिन अभी तक मैंने घोड़ा नहीं दिखाया। अच्छा, तो उसका अभी मैं आप रिजल्ट अभी देखना आप, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। मैंने जैसे आपने 1 साल रोका इस बच्ची को, मतलब ब्रीडिंग नहीं करवाई 1 साल तक, तो उसका आप घोड़ी पे भी आपको लग रहा है? बिल्कुल, घोड़ी भी आपको नहीं लग रही 8 साल की? बिल्कुल। और बच्ची आएगी ना वो भी आपको लगेगी उम्र में ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल 13 महीने की है। अच्छा अच्छा, 13 महीने की बच्ची है। बिल्कुल 13 महीने की, अभी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी लोग ऊपर से दूध पिलाते हैं वो करते हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप दूध भी नहीं पिलाते? बिल्कुल दूध वूध नहीं पिलाते, हम सिर्फ घोड़ी को अच्छी डाइट देते हैं। ओके, और घोड़ा दिखाते नहीं है तो ऑटोमेटिक जो इसका दूध है उसका कोई मुकाबला नहीं है दूसरे दूध का। ओके चलो, कम से कम ये जानना चाहूंगा आपके साथ कोई ऐसा हुआ है कि आपके घोड़े घोड़ी बिल्कुल कमजोर हो गए हो? किसके कारण? दूध के कारण? नहीं दूध के कारण नहीं, कोई और भी कारण हो सकता है। नहीं, हम तो खानदानी जैसे शुरू से जो दाना पानी दे रहे हैं उस हिसाब से डाइट दे रहे हैं। ओके, और आपके सामने रिजल्ट खराब नहीं? बिल्कुल, आपकी घोड़ी तो एकदम फिट है, और 8 साल की आप उम्र बता रहे हो तो एकदम फिट घोड़ी दिख रही है मेरे को। बच्ची अभी आपको दिखाएंगे तो आप खुद कहोगे कम से कम 18-19 महीने की होगी, लेकिन 13 महीने की है। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्यूमेंट है। ओके, आप खाने पीने में जैसे क्या देते हो विशेष तौर से? हम तो जैसे रिज का हरे में तो okay. बाकी मेरे पास मूंगफली का चारा है वो खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और दाने में जैसे बाजरी है, जौ है, ये खिलाते हैं। तो मतलब जैसे दूध पिलाने की आप बात कर रहे थे, तो दूध बच्चों को भी नहीं पिलाते हो बिल्कुल भी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको मैं बच्ची दिखाऊंगा इसकी। अच्छा, मैंने दूध बिल्कुल नहीं पिलाया, और आप खुद देख रहे हैं मेरे पास कोई गाय भाई है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दूध पिलाते नहीं। मतलब दूध पिलाने का तो ये कहूंगा सबको, जो दूध में पैसे खर्च करो उससे अच्छा आप घोड़ी को अच्छी डाइट दो ना। बिल्कुल, 1 साल रोक के रखो ना आप। बिल्कुल, 1 साल ब्रीडिंग मत कराओ उसकी, मत करो आप, ऑटोमेटिकली दूध होगा, ऑटोमेटिकली वो बच्चा जो आप बच्चे की ग्रोथ देखना, अभी आपको पता चल जाएगा मैंने 1 साल रोक के गलती किया या सही किया, उसका निर्णय आप खुद बताना। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप वो बच्ची मेरे को दिखा दीजिए। जी जी बिल्कुल, दिखाते आपको। बिल्कुल, हाँ हुकम सिंह जी, ये आपकी बच्ची है वो? जी, ये उसी राजलक्ष्मी है, राजपद्मिनी है। अच्छा जी, राजलक्ष्मी की बच्ची हो गई है? राजपद्मिनी, राजपद्मिनी जी, राज हनुमान की बच्ची है, आलिशान ब्रेड लाइन की। अच्छा, राज हनुमान जो जोधपुर जैनेश गजे सिंह जी बाबू जी के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, उस घोड़े की है ये? उस घोड़े की बच्ची है। अच्छा, तो वो जो घोड़ा था वो आलिशान का था? जी, आलिशान का दिलशान था, दिलशान का राज हनुमान था। अच्छा अच्छा अच्छा, दिलशान को, दिलशान कौन सा? आलिशान की पड़पोती होगी। नहीं, दिलशान कौन सा? इसका आलिशान का बच्चा अभी है वो? दिलशान तो है शायद, दिलशान है उनके पास है, नागौर में जो खड़ा है उनके पास है। अच्छा अच्छा अच्छा, राज हनुमान अभी बाबूजी के पास है, नहीं पता। तो दिलशान का भी कुछ है से, क्या हो गया दिलशान? आलिशान की पड़पोती होगी। अच्छा, आलिशान की पड़पोती हो गई, दिलशान की पोती हो गई, राज हनुमान की बच्ची, राज हनुमान की बच्ची हो गई। ठीक है साहब, अब समझ में आ गया, बढ़िया। अच्छा, अभी ये कितनी उम्र की है? ये 9 मार्च को 13 महीने की हुई है। अच्छा, 9 महीने, 9 मार्च को, 9 मार्च को 13 महीने की, तो ये तो माँ के बराबर अभी जा रही है वैसे देखा जाए तो। तो आप कह रहे थे दूध पिलाने का और अब ब्रीड क्यों नहीं कर? अच्छा अच्छा अच्छा, सारा रिजल्ट ही है आप देख। तो इसको आपने मतलब बिल्कुल दूध नहीं पिलाया ऊपर से? बिल्कुल नहीं, सिर्फ सारे माँ का दूध है। अच्छा, ओनली माँ का दूध पिया इसने? जी जी। और पूरे 1 साल पिया है? 1 साल पिया, क्योंकि घोड़ा दिखाया नहीं, घोड़ा नहीं दिखाया उसकी माँ को, तो ये अच्छा किया आपने। अभी बहुत से जो बोलते हैं कि हम दूध पिलाते हैं वो पिलाते हैं, उनके भी इतने अच्छे जानवर नहीं रहते मेरे ख्याल से। देखो सर, ऐसी बात है किसी के मुंह से बोलने की बात नहीं है, जो रिजल्ट है वो आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आपने मेरे फार्म पे देखा कोई गाय वाय मैं रखता हूँ? हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट खुद बच्ची दिखा रही है साहब। ओके, इसके मार्किंग की अगर बात करें तो दो पैर पीछे के वाइट है, दो पैर पीछे के वाइट है और पूरा पट्टा है, और पूरा पट्टा है जी। ओके, इसको भी आपने वो माइक्रोचिप जो लगवा रखी है उसके जी, भी जी, इसके भी माइक्रोचिप लगी हुई है, इसका भी पासपोर्ट बना हुआ है। ओके ओके, और इसकी माँ का भी बना हुआ था, इसकी नानी का भी बना हुआ।
बिल्कुल, जो भी आपके पास है घोड़े उनके सबके बनवा दिया आपने विद डॉक्यूमेंट है। अब अगर इसको कोई खरीदता है तो बेकायदे आपके पास प्रूफ है कि भाई ये उस घोड़े की है? देखो घोड़े, उस घोड़े के ये प्रूफ है मेरे पास, प्लस ये झूठ नहीं है कि ये अभी इतने महीने की हुई है और वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कोई झूठ मेरे पास टाइम दूर उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई एक दिन का भी फर्क नहीं है उसमें। कई लोग कह देते हैं कि ये तो अभी 4 महीने की हुई, 6 महीने की हुई है, वो भी है, बहुत से बोल देते हैं, सही बात है जी, जी। अभी यही बच्ची अगर कोई बोलने वाला हो जी। तो इसको बता दे ये तो उसकी एर, वो एर वो है, पर आपने माइक्रोचिप जो डलवा रखी है डॉक्यूमेंट में यही है, आपको एक तो डेट का बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है ना, डेट क्लियर होती है, माँ बाप क्लियर होती है, लाइन क्लियर हो जाती है, बिल्कुल सर। तो हुकम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप टाइम निकाल के हमारे यहाँ पधारे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल, और आपने नए बंदों के लिए जो संदेश दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया आपने, कि जो नए लोग हैं वो पसरे हैं बेचारे, पता नहीं कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके जी जी, तो उनको इन चीज़ों से बचा जाए, और उनके बचने के लिए मैंने ये बताया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, कई ब्रीडर हैं जो ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा तो एक और सवाल करना चाहूँगा, जैसे आपके ये है जान बच्ची, एक बच्ची है, एक ओड़ी है आपके पास, अगर इनका कोई सेल परचेज का भी अगर आए कोई ग्राहक तो जी, कोई अच्छी पार्टी लगती है तो दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा जी। चलो ठीक है, धन्यवाद आपका, एक बार आपका फार्म का नाम बता दीजिए मुझे, क्या जी? मेरा कड़वड़ फार्म का नाम भी कड़वड़ है। ओके जी, मेरा नाम हुकम सिंह कड़वड़ है, ठीक है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, राजस्थान में। ओके, आपके मोबाइल नंबर बता दीजिए, 9680185518, ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी। चलो थैंक यू, धन्यवाद, ओके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।